ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुर्ग का जो रिकॉर्ड है अब तक किसी भी प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले जो लीड कर रहे हैं। और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस जीत को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कि आप जो जीत है वो इसके पीछे कारण क्या है, कितनी बड़ी जीत जो मिल रही है विधानसभा चुनाव में, जो एक उलटफेर हुआ था उसके बाद में भाजपा को इतना समर्थन जो मिल रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में स्नेह था, प्यार था, वो इस चुनाव के माध्यम से दिखा है और वोट देकर उनके प्रेम के प्रति लोगों ने भावना बनाई है। एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने ये मन में कल्पना लिए, इस बार लोग वोट दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे सभी भाई बहन, सभी बुजुर्ग मिलकर जो इतनी मेहनत की एक महीने तक, उसका प्रतिफल इस चुनाव की इतनी बड़ी जीत के अंतर के रूप में दिख रहा है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 3 वर्षों तक जो इस प्रदेश की सेवा की और एक एक लोगों से मिलकर जो उनकी समस्याओं को दूर करने का बहुत सारी योजनाएं वो बनाए थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, उसका एक प्रतिफल है। और 5 महीना पहले जो एक भूल हो गई थी लोगों द्वारा, कांग्रेस को वो कुछ लोग लुभावन नारे के कारण, कुछ लोग लुभावन घोषणा पत्र में जो वो अंकित कर दिए थे उसके कारण जो भूल की थी लोगों ने, उसके सुधार के रूप में, चूँकि 5 महीने में दिखा दिया कांग्रेस ने कि वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो वादे करते हैं उससे मुकर जाते हैं, ये बात सत्य साबित हुआ है और लोगों ने उसको एक दर्द और पीड़ा के रूप में महसूस किया है, वो इस चुनाव का प्रतिफल दिखा रहा है। जी हाँ, जो कांग्रेस की तरफ जो मोह था लोगों का वो शायद अब टूट रहा है। आप चूंकि चुनाव अब जीतने वाले ही हैं, मतलब आप अधिकृत घोषणा ही बाकी है, पर इसमें अब जो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, कि संसद की दहलीज चढ़ते ही आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यहाँ से हम लोग दुर्ग लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, एक हमारा मिनी भारत है, और यहाँ पे भिलाई इस्पात जैसा बहुत बड़ा संयंत्र है जहाँ सभी प्रदेश के लोग निवास करते हैं, उसमें कर्मचारी के रूप में मैं भी भिलाई इस्पात संयंत्र का 15 से 19 साल तक सेवा मैंने की है एक कर्मचारी के रूप में, तो उनकी जो मूलभूत समस्या उससे वाकिफ हूँ, और जो वेतन विसंगति के रूप में अभी तक जो वो मांग कर आ रहे थे वो रुका हुआ है। साथ ही साथ इस भिलाई इस्पात से संबंधित छोटे इंडस्ट्री हैं, जो पोषित संस्थाएं हैं वो है, और चूँकि यहाँ पे इसके माध्यम से भिलाई के कारण बहुत से व्यापारी जो उस समय लीज लेकर यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनकी समस्याएं हैं। यहाँ दुर्ग लोकसभा में कुछ 5 विधानसभा ऐसे जहाँ ग्रामीण हैं, किसान वहाँ बसते हैं, तो उनकी समस्याएं हैं। इन सब बातों को ध्यान, हमारा ये खेल नगरी है, शिक्षा नगरी है, हमारा ये लोक कलाकारों की नगरी है, इन सब वर्गों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं और बहुत सारी मांगे हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप जब इतनी जगह आप जब प्रचार में घूमे होंगे, बहुत सारे जन एजेंडे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो BSP और एंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे कि जो आपकी नज़र में होंगे, ऐसे कुछ मुद्दों पर आप पता करना चाहेंगे? है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और यहाँ जो जैसे दुर्ग का एक बड़ा भूमिका एक रही है, ये दुर्ग में अभी IIT का निर्माण हमारी मोदी जी सरकार के द्वारा दिया गया, माननीय गडकरी जी के नेतृत्व जो PWD विभाग चल रहा है, केंद्रीय ये जो PWD विभाग, उनके बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं, उन कामों को और आगे बढ़ाने का जो बहुत सारी बातें हैं वो है। जो 6 महीने जो कांग्रेस सरकार के जो कार्यकाल है 6 महीने का हमारे प्रदेश में, उसको क्या आप, जो जनादेश आया है उसको क्या आप एक नाकामी के रूप में देखते हैं, सरकार की नाकामी का ये नतीजा है? निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनकी नाकामी ये साबित होती है, लोग अपनी भूल सुधार करने, ये भी बातें मैंने कही है, और उसी रूप में चुनाव आज दिख रहा है। हम सब संग संग चलना है और हमारे लोकसभा आगे बढ़ाना है, यही आप सबसे निवेदन है, और आप सब अत का सहयोग दो, प्रेम दो, स्नेह दो,
वो कर लिए। मैं बहुत बहुत आप सब लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिल के अपन दुर्ग लोकसभा आगे बढ़ावो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ावो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सबके साथ सबका विकास। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल, जो पूरे 2.25 लाख वोटों से लीड ले चुके हैं और अब उनकी जीत निश्चित ही मानी जा रही है। मैं कोमल धनेसर, हमारे सीनियर रिपोर्टर हेमंत कपूर और नसीम फारूकी के साथ।